में सवार होकर के एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे थे। हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे, नदी पर जो पुल बना हुआ था, जैसे उसको पार किया तो एक लड़की दिखाई दी जो तरबूज बेच रही थी सड़क किनारे। बच्चे ने जिद की वाटरमेलन चाहिए, तो इन्होंने कार को साइड में रोक दिया। गाड़ी का शीशा नीचा करके जो है मैडम ने पूछा कि क्या भाव दिए, तो उस लड़की ने कहा कि 50 रुपये का एक लेके चले जाओ। तो ये जो मैडम थी मोल भाव करने लगी कि 30 रुपये, उससे ज्यादा नहीं। वो बच्ची कहने लगी कि आप गजब कर रहे हो, आपने तो 30 रुपये बोल दिया। तो मैडम ने कहा चलो 40 रुपये। तो उस बच्ची ने कहा अरे 40 का तो हमें ही पड़ा है, 45 का मैं आपको दे सकती हूँ। ये भाई साहब जो थे, पति जो थे, मुस्कुरा रहे थे कि क्या ये जिद बहस कर रही है इतनी छोटी सी बात पर। और जो मैडम थी वो मोल भाव में लगी हुई थी। तभी वो जो लड़की थी वो तरबूज लेकर के इनकी जो कार थी उसके पास में आ गई, और जो बच्चा था वो खिड़की से बाहर देख रहा था। तो मैडम थी, उन्होंने एक और इमोशनल दाव खेला, उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाई के लिए दे जाओ 40 रुपये में। तो उस बच्चे ने कहा अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका? तो उस बच्चे ने बताया मेरा नाम गोलू है। कहने लगी वाह तुम तो सच में गोल मटोलो। और तब जो है उसने वो तरबूज उसके बच्चे के हाथ में रखना चाहा, तो वो जल्दबाजी में छोटा बच्चा कहाँ संभाल पाता, वो नीचे गिर गया। 5 किलो करीब का तो तरबूज रहा होगा, उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा कि मेरा तरबूज गिर गया। तो बच्चे ने कहने लगे अरे मेरे भैया नाराज क्यों होता है, मैं दूसरा लेके आती हूँ। फटाफट से दूसरा लेकर के आ गई। अब ये मैडम ताओ में इनको लगा कि दो दो के पैसे लेगी। कहने लगी हम उस टूटे वाले के पैसे नहीं देंगे और इसके भी 40 रुपये ही देंगे, कितने का है ये? उस बच्ची ने कहा जो लड़की बेच रही थी तरबूज की, मुझे तो आंटी जी कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो अपने छोटे भैया के लिए लेकर आई हूँ, मेरी ओर से तोहफा है इसके लिए। तो कहने लगी नहीं 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 तुम पैसे तो लो। जो पतिदेव थे भी मुस्कुरा कर कहने लगे कि अरे तुम 100 रुपये लो दोनों तरबूज के, टेंशन ना लो। उस बच्चे ने कहा नहीं 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 मैं अब पैसे नहीं लूंगी, आपने कहा ना है मेरा भैया है, भैया से पैसे थोड़ा ना लेते हैं। तो ये जो मैडम थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम पैसे ले लो। उस छोटी सी लड़की ने जीवन का सार कहा, उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, पहला वाला टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा वाला इसके लिए मेरी ओर से गिफ्ट है, तोहफा है, आप लेके चले जाओ। जब उसने ये बात कही तो इन मैडम ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारा कोई भाई है? उस लड़की ने कहा मेरा भाई तो, और ये कहकर के रोने लगी कि कुछ समय पहले ही उसकी जो है डेथ हो गई, बीमार हो गया था, हम हॉस्पिटल ले जाते तब तक उसने दम तोड़ दिया, 2 साल का था वो, मुझे तो इसमें अपना भैया नजर आया, आप लेके जाओ तरबूज। ये जो मैडम थी ये जहां से आ रही थी अपने घर से और दूसरे शहर जहां जा रही थी वहां पर किसी के रिलेटिव के यहां पर जाना था, गिफ्ट देना था, कंगन लेकर के जा रही थी। बिना देरी के इन्होंने अपने पर्स में से वो कंगन निकाले और उस लड़की के हाथ में रख दी कि बेटा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वो लड़की ने लगी कि अरे तरबूज के बदले ये? तो इन्होंने कहा हाँ बेटा रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते, तुमने इसको अपना भैया माना, मैं तुम्हारी माँ हुई, मेरी ओर से तुम्हारे लिए अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर के इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। जो पतिदेव थे मुस्कुराते हुए जा रहे थे कि कैसी है मेरी पत्नी, भी थोड़ी देर पहले 10-20 रुपये के लिए मोल भाव कर रही थी और अब इतने महंगे कंगन ऐसे ही दे करके आ गई, इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। और तभी इन्हें याद आया जो उस लड़की ने कहा था कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। बिना देरी के इन्होंने अपने बड़े भाई को कॉल लगाया और बोला कि अरे वो वाला प्लॉट आप रख लो, वो बाजार की दुकान आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोर्ट में जो मुकदमा किया हुआ है वापस ले लूंगा। बड़े भाई साहब कहने लगे कि तुझे क्या हो गया अचानक? तो इन्होंने कहा कि वो भाई साहब मैंने सुन लिया है, अब याद रख लिया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। बड़े वाले भाई साहब भी पिघल गए, कहने लगे कि अरे मेरे छोटे इतने प्यार से पहले बात करता तो बात आगे बढ़ती नहीं, आजा घर पर चाय पीते हैं और सब सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि रिश्तों में नफा नुकसान मत